नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न। दोस्तों, किचन, रसोई घर वो जगह है जहाँ तमाम देवी देवता आपके आते हैं, आपकी कुल देवी आती हैं और आपके पितरू भी आते हैं। किचन वो जगह है जो आपके पूरे व्यक्तित्व को बनाता है। आपके घर का किचन जैसा होगा, इंसान वैसा ही बनता चला जाता है। आपने देखा होगा, एक ही परिवार के तमाम लोग एक ही जैसे स्वभाव के होते हैं, एक ही जैसे चरित्र के होते हैं। हाँ, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। एक दो कोई अच्छे निकल गया, एक दो कोई बुरे निकल गए, वो अलग बात है। बाकी मोस्ट ऑफ लोग एक फैमिली के एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि वो एक ही किचन का खाना खा रहे हैं, एक ही व्यक्ति के हाथ का बनाया हुआ खाना खा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, जो लोग बहुत तामसिक हैं, नीच विचारों के हैं, जिनके विचार हल्के हैं, जो चरित्रहीन लोग हैं, ऐसे लोगों के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों के हाथ का खाना खाएंगे तो आपके मन पर उसकी बहुत गहरी असर होती है। आप देखना, किसी भी मंदिर में, धार्मिक स्थल पर बनाया हुआ भोजन या भगवान के लिए बनाया हुआ प्रसाद, आप उसको खाएं, आपके मन को शांति मिलेगी। क्योंकि जब वो प्रसाद बनाया जा रहा है, मंदिर में जब भोजन बनाया जा रहा है, तो व्यक्ति के अंदर सेवा भाव है, भगवान के लिए सेवा है, लोगों के लिए सेवा भाव है, तो उस प्रसाद में स्वाद ही अलग होता है ना? एवरीडे भोजन जब आप अपने घर में करते हैं तो तरह तरह के विचारों से आप लिप्त होते हैं। क्योंकि जो भी घर की महिला है, कभी बहुत खुश है, खुशी से खाना बना रही है, घर का माहौल कुछ अच्छा हो जाता है, अलग हो जाता है। कभी घर की महिला बहुत क्रोधित है, कुछ ना कुछ बोल रही है, अपशब्द बोल रही है, खाना पका रही है, खाना तामसिक हो जाता है। घर के तमाम मेंबर्स जब उस भोजन को करते हैं तो वो खुद भी अंदर से बेचैनी महसूस करते हैं। ऐसे ही आप देखना, जहाँ कसाई खाने हैं, वहाँ पर जो लोग जाते हैं मीट सीट लेने के लिए, उनका मन, किसी भी व्यक्ति का मन अंदर से खुश नहीं होता। अगर वो सात्विक है, हाँ, खुद वो अंदर से ही अत्याचारी स्वभाव का है, तो अलग बात है। जहाँ किसी जीव की हाय बद्दुआएं निकली हो, वहाँ किसी को खुशी नहीं मिल सकती। ऐसे ही कोई चरित्रहीन महिला या कोई भी खराब दानत की महिला भोजन पका रही है, तो जब वो खाना बनाती है, उस समय भी उसके विचारों में भयंकर दुर्गंध आती है। वो शरीर से और मन से बदबूदार हो जाती है, जब उसके अंदर एक गलत विचार होते हैं किसी के भी लिए। और वो भोजन जब घर के छोटे छोटे बच्चे भी खाते हैं, तो बच्चे भी गलत दिशा में, थोड़े भी बड़े होंगे आप देखो, वो बच्चे भी गलत दिशा में आगे बढ़ेंगे। घर की महिला अगर शुद्ध स्वभाव रख करके कोई मंत्र जाप करते हुए अगर रोटी पकाती है, तो घर के तमाम मेंबर्स का जो स्वभाव है वो शांत होता है, वो महत्वाकांक्षी बनते हैं, आगे बढ़ने का सोचते हैं, है ना? तो किचन वो चीज है जो आपके पूरे व्यक्तित्व को बनाता है। किचन के अंदर हमेशा स्वच्छता पूर्वक जाना चाहिए, हमेशा स्नान करके ही किचन में प्रवेश करना चाहिए। कभी भी किचन के अंदर उन लोगों को प्रवेश नहीं करने देना चाहिए जो मानसिक रूप से टूटे हुए हैं, कमजोर है। उसकी पूरी असर आपके किचन पर होती है। आप देखना, कई बार आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया है, कोई ऐसा व्यक्ति आपके किचन में आया जिसको वो खाना खाने की इच्छा थी, लेकिन वो खाना उसको उस समय नहीं मिला, वो चला गया, लेकिन उसकी नजर उस खाने में ऐसी लग गई कि खाना बर्बाद हो गया, खाना फिर किसी ने नहीं खाया। जिसे हम कहते हैं ना, नजर हाय बद्दुआ, वो ऐसे लग जाती है। किचन को दोस्तों हमेशा साफ सुफ रखना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ रखना चाहिए।
और किचन में जो भी अनाज है वो हमेशा परिपूर्ण रखना चाहिए। ये नहीं है कि डब्बा पूरा खाली हो गया फिर आप दूसरी चीज लेने के लिए जा रहे हैं, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खास तौर से गेहूँ, चावल, हल्दी, घी, ये वो चीज़ें हैं जो हमेशा किचन में भरपूर ही रखनी चाहिए। कभी भी इन चीज़ों को संपूर्ण रूप से खाली नहीं होने देना चाहिए। इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट किचन पर पड़ता है, परिवार पर पड़ता है। घी हमेशा दोस्तों किचन में रखना चाहिए, इससे भी घर में धन धान्य बढ़ता रहता है। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। जय श्री कृष्ण।